नमस्कार। रचना में आपका स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे वो डोगरी के महाकाव्य को लेकर बात करेंगे कि डोगरी में महाकाव्य किस तरह के हैं, कितने लिखे गए, क्या जितने होने चाहिए थे उतने हैं भी कि नहीं, तो इस बात को करेंगे, हम साझा करेंगे ज्ञान सिंह पंगोच की जी के साथ। पंगोच साहब आपका स्वागत है। पंगोच साहब, जब कविता की काव्य की बात चलती है तो उसमें हम प्रबंध काव्य या महाकाव्य जिसको बोलते हैं उसका एक बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। तो डोगरी को लेके जब हम प्रबंध काव्य या महाकाव्य की बात करते हैं तो उसके बारे में आप कितने संतुष्ट हैं या क्या उसमें उसकी क्या पोजीशन है डोगरी में, महाकाव्य किस प्रकार कैसे लिखे गए हैं, कितने और क्या होना चाहिए था? असल में बात यह है कि प्रबंध काव्य जो है या महाकाव्य ये हिंदी साहित्य की एक विधा है। बाकी साहित्यकार अपनी अपनी भाषाओं में जो कुछ भी लिखते हैं वो भी प्रबंध काव्य लिखते हैं, महाकाव्य भी लिखते हैं और छुटपुट रचना उनकी भी लिखी जाती है, ऐसी बात नहीं है। ये हमारी डोगरी का तो आपको पता है कि इसकी जितनी भाषा का हिसाब किताब है अभी थोड़ी देर से ही लिखना शुरू हुआ है सही मायनों में। इससे पहले छोटी मोटी कविताएं लोग लिखा करते थे, किसी की छपी थी किसी की नहीं छपी, उसके बाद में किसी को छिपाया गया। यहाँ तक महाकाव्य का ताल्लुक है, ये एक बहुत बड़ी विधा है साहित्य की, बहुत बड़ी विधा है ये काव्य। काव्य में तीन प्रकार का काव्य आता है, एक तो छुटपुट रचनाएं हैं, कविताएं हैं, दूसरा प्रबंध है, तीसरा महाकाव्य है। प्रबंध जो है उसको हम महाकाव्य जो है वो भी प्रबंध है, जो खंड काव्य है वो भी प्रबंध है। तो प्रबंध काव्य की रचनाएं जो होती हैं वो किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के होती हैं, उसके ऊपर उसकी जीवन के जो भी उसके टाइम रहे हैं, क्या क्या रहा है उसके समय में, उसका मूल्यांकन किया जाता है फिर उसको लिखा जाता है। वैसे ही जैसे खंड काव्य है वो भी किसी आदमी की जो अच्छा कवि समझता है कि बहुत अच्छा आदमी है इसके ऊपर लिखा जाना चाहिए तो वो उसकी हिस्ट्री जो है वो कविता के थ्रू लिखता है। हमारे डोगरी साहित्य के अंदर इस समय तक जो मेरी जानकारी है, हमारे यहाँ शंभुनाथ शास्त्री थे, उन्होंने रामायण को काव्यबद्ध किया है डोगरी में। डोगरी की जो रामायण की कथा है वो वही है जो रामचरितमानस में है। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि ये रामचरितमानस का ही एक दूसरा रूप है, डोगरी का रूपांतरण है ये, लेकिन है तो काव्य, प्रबंध तो है वो। इसके अलावा अब जैसे जितेंद्र जी ने लिखा है ज्ञान, वो भी तो एक महाकाव्य समझिए। इसके अलावा प्रकाश प्रेमी जी ने लिखा है वेदन तत्ती की, तो वो भी एक महाकाव्य है। मैंने एक लिखा है, कोशिश की है महात्मा विदुर, वो भी एक समझिए कि महाकाव्य है। इसके अलावा दो प्रबंध मैंने पहले लिखे हैं, एक न्याय लिखा है और दूसरा जो है वो मतंग आश्रम है। तो ये सब जितने भी मैंने लिखे हैं, तो अभी पिछले दिनों दो तीन साल पहले बिशन सिंह दर्दी की एक किताब आई वनवास, हो सकता है आपकी नज़र से वो ना गुजरी हो, उसे भी प्रबंध काव्य की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। देखिए उसके लिए तो ऐसा है, मैंने पढ़ा नहीं है, अगर पढ़ा होता तो मैं आपको बताता कि वो क्या है। असल में महाकाव्य की श्रेणी में वो किताबें आती हैं
मनीषियों के मुताबिक, जैसे कि लोगों ने इसका डिसीजन लिया है कि भाई कौन सी किताब जो है, कौन सा प्रबंध जो है वहाँ काव्य की कैटेगरी में रखा जाए, तो उन्होंने प्रबंध काव्य के जितने भी कांड होते हैं उनको गिन करके रखा है कि भाई नौ कांड का होगा तो वो तो नौ सर्ग का होगा तो वो ये महाकाव्य होगा, उसके नीचे का अगर कोई होगा तो वो प्रबंध में शामिल किया जाएगा सीधा। मतलब खंड काव्य और महाकाव्य को लंबाई की उसके हिसाब से उन्होंने रखा और उसकी जितनी है। बिल्कुल अच्छा, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि रामचरितमानस के तो टोटल 7 कांड हैं और उस ढंग से अगर देखा जाए तो वो महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो वो कंप्लीट महाकाव्य है। महाकाव्य के जैसे आपने अभी कहा कि नौ सर्ग हो तो महाकाव्य, उससे कम हो तो वो खंड काव्य, क्या इसमें सिर्फ यही भेद है कि कुछ और भी? देखिए भेद जो है वो तो अब मनीषियों की अपनी अपनी सोचने का ढंग है। मैं तो कहूँगा कि ये जो भेद बताई जाती हैं चीज़ों के अंदर, ये आम आदमी जो है ये उसके पास करोग नहीं है। मनीषियों ने इसको तय किया हुआ है कि भाई ऐसे ऐसे अगर हो इन चीज़ों में तो इनको प्रबंध काव्य की श्रेणी में रखा जाए, खंड काव्य की श्रेणी में रखा जाए या महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाए। मेरे हिसाब से मैं या इन चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे लगता है खंड काव्य जो है वो महाकाव्य इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें जो कथा प्रवाह है, जो कहानी के लोग होते हैं, ये जो उसमें पात्र हैं, वो पात्र जो है वो सारे के सारे कुछ कंप्लीट नहीं होते। अगर कंप्लीट उसमें पात्रता हो तो वो महाकाव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। जैसे रामायण का मैंने आपको बताया, रामचरितमानस है, 7 कांड है उसमें, लोग तो उसको नहीं मानते कि ये पर महाकाव्य है, लेकिन मेरी जमीर कहती है कि वो महाकाव्य है क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रामचरितमानस में नहीं है। आप देखेंगे उस रामायण की पूरी कहानी को उन्होंने, बिल्कुल उन्होंने सिर्फ कहानी को ही नहीं बल्कि उस उन्होंने वेदों तक को भी उसमें डाला हुआ है अपनी उस भाषा के अनुरूप। तो ऐसे में मैं तो कहूँगा कि वो तो महाकाव्य ही है, तो इससे कम तो नहीं है। बाकी बहुत लोग, अब सूरदास ने लिखा है, कबीरदास ने कबीर बीजक लिखा है, ऐसी ऐसी विधाएँ हैं जो बड़े बड़े ग्रंथ के रूप में लोग पहचानते हैं, इनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन ये जो हमने इसको तय किया हुआ है कि भाई ये प्रबंध है, ये महाकाव्य है, ये खंड काव्य है, ये सारे का सारा इसलिए है कि उसकी एक कहानी है, उस कहानी को लेकर के सारा कुछ होता है। उसके कुछ पात्र जो हैं वो साइड से आते हैं, कुछ इधर से आते हैं, कुछ साइड हीरो, कुछ दूसरे ऐसे, तो वो सारे का सारा फिर कंप्लीट करके बताते हैं कि ये इंटरेस्टिंग बन जाती है ना बात। अब ज्यादा जितने जितने पात्र होंगे उनमें कुछ ना कुछ तो नया होगा ही, ट्रैक जैसे, बिल्कुल रास्ता बना हुआ है, तो उस ढंग से है ये। तो क्योंकि कई बार इस तरह के कंफ्यूजन जो हैं, जब भ्रांतियां जो हैं वो विद्वानों में भी और आम जो पाठक है उसमें तो आएंगे ही, जब विद्वान एकमत नहीं होंगे, उनके आपस में मतभेद होंगे तो बात बनेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो शास्त्र का विधान, जो नियमावली जो कई सैकड़ों साल पहले बनी थी, उसमें समय समय पे थोड़ा थोड़ा बदलाव भी आता रहा है। बिल्कुल, तो क्या उस बदलाव को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये समय की मांग है ना, जैसे समय बदलता है वैसे वैसे चीज़ें बदलती जाती हैं। तो पहले पहले जो इस शास्त्र की जो इन्होंने विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हुई हैं वो उन्होंने अपने उस समय के अनुसार दी हुई हैं। अब का समय जो है वो बदल चुका है, इस समय हमें कुछ नया देखने की, नया सुनने की, समझने की वो करना पड़ता है, इसलिए इन चीज़ों को जहाँ पर भी बदलाव की ज़रूरत है, जहाँ पर भी परिवर्तन चाहिए वो होना चाहिए। तो मैं तो इसके हक में हूँ, इस संदर्भ में मैं तो यही कहूँगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डोगरी
में जो महाकाव्य लिखे गए हैं, अब तक लिखे गए हैं, आपने भी लिखे, बाकी लोगों ने भी जो लिखे, शंभुनाथ जी ने लिखा, डॉक्टर जितेंद्र उधमपुरी जी ने, प्रकाश प्रेमी जी ने, आपने लिखे, और उसमें बिशन सिंह दर्दी भी, अब उसे ना कहें, जैसा आप आपने अभी कहा कि प्रबंध काव्य की श्रेणी में, क्योंकि कथा है वो चल रही है, तो वो प्रबंध काव्य की श्रेणी में आएगी। हालांकि इसके अलावा मुक्तक, जिनको हम बोलते हैं, उसे लंबी कविता कह लें या मुक्तक कह लें, वो भी उस तरह के भी प्रयास डोगरी में हुए हैं। बिल्कुल अश्विनी मंगोत्रा ने किए हैं, ओ पी शर्मा सारथी ने किए हैं, जितेंद्र उधमपुरी जी ने किए हैं, उसमें कुंवर बजोगी जी ने भी घर लिख के वो किया है, मेरा भी छुटपुट प्रयास उसमें रहा है। ये सारी बातें मुझे लगता है कि इस तरफ इशारा करती हैं कि डोगरी का जो कवि है, डोगरी का जो शायर है, डोगरी का जो रचनाकार है, वो पूरी तरह से काव्य की विधाओं में की जानकारी रखता है, और उसमें उसने अपनी तबा अजमाई भी की है, और बेहतर तरीके से की है, जो जिसके रिजल्ट जो हैं, जिसके नतीजे हमारे सामने हैं कि किताबें आई हैं। ज्ञान सिंह जी, पंगोज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही जानकारी भरी बातें हमें बताई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।